बादशाह विलायत, मम्बे तरीकत, गवासे बहर मारिफत, पैकरे खुलूस व मोहब्बत, आरिफ बिल्लाह, अशाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाजे के मनाजिर, शहर बरेली की तारीख का वो नज़ारा रहा कि सारी कायनात दंग रह गई। इस्लामिया इंटर कॉलेज का वसी व अरीज ग्राउंड नमाजियों के लिए तंग पड़ रहा था। तब मुंतजमीन के ऐलान के मुताबिक इंसानों का ये समंदर जहां जगह मिल पाए वहीं सफ बस्ता खड़ा रहा और इस वलीए कामिल की नमाज जनाजा में शरीक हुआ। छतों पर, ग्राउंड की चारों जानिब, सड़कों पर, नीज कुतुब खाना, इस्लामिया रोड, चौपला चौराहा, रोडवेज, सिविल लाइंस, चौकी चौराहा, कोतवाली, नोमेला रोड, अयूब खान चौराहा, बिहारीपुर तक सड़कों पर नमाजियों की सफ़े लगी रही। अशकों के अजदहाम में जब जनाजा पहुंचा तो सफ़े तैयार थी और जानशीन और शहजादे पीर मुर्शिद मोहम्मद गाजी सकलैनी उल कादरी हफिज़हुल्लाह ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई। इंतज़ाम इतना माकूल था कि जहां कहीं नमाजी खड़े थे उन्होंने आवाज़ सुनकर बड़े इत्मीनान से नमाज अदा की। खुसूसी दुआ के बाद जनाजा तदफीन के लिए ले जाया गया। पूरा आलम गम अंदोह में डूबा हुआ था और अफसुरदा चेहरे इस अजीम रूहानी शख्सियत की रहलत का इजहार कर रहे थे। नमाज जनाजा के दौरान भी बाज़ लोगों की सिसकियां बुलंद हो रही थी और नमाज के बाद तो अक्सरियत की चीखें बुलंद हो गई। इतना बड़ा हुजूम जिस अंदाज से कंट्रोल में रहा यकीनन वो इमदाद गैबी और किबला मियाँ हुजूर के तसर्रुफ के मजहर थे। ना कोई भगदड़, ना कोई बदनज़मी, ना किसी किस्म की नारेबाजी और ना किसी को शिकायत। बिल्कुल अमन व सुकून के साथ पूरा मजमा रुखसत हुआ। इस शान से मुर्शिदी मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नमाज जनाजा हुई वो यकीनन हज़ार साल के मुजद्दिद इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल्फिसानी, शेख अहमद सर हिंदी फारूकी रदी अल्लाहु ताला अन्हु के जानशीन का ही खासा हो सकता है। अल्लाह ताला अपनी शान के लायक उनके दरजात बुलंद फरमाए और शुरका को इस वली के सदके अजर अजीम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों ने सब्र किया।